विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में निरोगी भारत स्वस्थ भारत की थीम पर वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य एवं निरोगी रहने के लिए हमारी स्वच्छता और हाथों का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। हाथों के स्वच्छ नहीं होने से शरीर में कई रोग होने की आशंका रहती है। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर हरीश भाकुनी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की आमजन को स्वस्थ रखने की पहल पर 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे दुनिया भर में मनाया जाता है। 5 मई जो कल है उसमें वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। WHO द्वारा इसको 2009 में मनाना स्टार्ट किया गया था और बेसिक इसका जो उद्देश्य है या जो उसका यह है कि आप अपने हैंड को की जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जब आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करते हैं तो बेसिकली आप जो भी अपने आसपास जिन चीजों को छुआ है उन कीटाणुओं विषाणुओं इत्यादि से अपने बचाव करते हैं। और कई बार जब हमारी जो फॉल्टी फूड हैबिट्स होती है, हमने अगर कहीं भी टच किया हुआ उसके बाद हम कुछ भी खा लें तो वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमने अभी अपने रिसेंट पास में देखा है वो है कोविड का एग्जाम्पल, जिसमें हैंड हाइजीन के बारे में बहुत विशेष रूप से जोड़ दिया गया था। हम एक विशेष रूप से इस दिवस को जो कि WHO द्वारा प्रस्तावित है उस दिवस को हमारे संस्थान में हमारे चिकित्सालय में आने वाले रोगियों साथ ही साथ हमारे अस्पताल में कार्य करने वाले जितने भी चिकित्सा कर्मचारी हैं अधिकारी हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अवेयर करने के लिए प्रोग्राम को हर साल आयोजित करते हैं।